वहाँ पर एक बाबा जी कोई नए आकर रहने लगे हैं। चलिए मिलते हैं, चलिए बाबा से मिलते हैं। हेलो, मैंने द्रमा भाभी की आवाज़ सुन के आगा। हाँ। कैसे आए तुम बताओ? नर्मदा जी दर्शन करने। हाँ। तो भाभी कैसे आई है तुम? नर्मदा जी आए दर्शन करने। हाँ। तो बाबा जहाँ कब से रह रहे हैं? क्या मालूम, बाबा से अभी परिचय हुआ हमारा। हाँ। बाबा कहाँ के रहने वाले हो? शिवपुरी जिले, शिवपुरी वो ग्वालियर गुना तरफ। तो बाबा यहाँ पर क्या आश्रम बनाएंगे? अच्छा, कोई ना कोई बाबा हमारे यहाँ आ गए, खुशी की बात है। देखिए अंदर बाबा का धुना भी है। माँ नर्मदा मैया की शरण में आए तो सारी व्यवस्था हो ही जाएगी। अब भाभी मैं आ रहा हूँ, है नहीं? बाबा जी अब पूरा परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? बाबूगिरी जी। तो आपके नागा सन्यासी हैं? हाँ। आपने सन्यास ले लिया? हाँ, ये हमारे गुरु हैं ये। कहाँ? ये बासन में। वो तो मेरे भी गुरुदेव है, बादामगिरी जी महाराज। हाँ, आपने दीक्षा कब ली थी? उज्जैन उज्जैन में ली थी। मुझे शायद आप मिल गए होंगे और मैंने आपको देखा भी होगा, क्योंकि गुरु जी के साथ मैं भी था उस कुंभ में, एक महीने रहा था उज्जैन के कुंभ में। तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, बहुत मतलब छोटे ही था जब मैं, बहुत दिन की बात होगी, 20-21 साल हो चले होंगे, है ना। तो यहाँ अगर आप रहेंगे तो यहाँ तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। और देखिए नर्मदा जी की कितनी कृपा है, यहाँ पर सब लोग आते जाते रहते हैं, है ना। और आपको माँ नर्मदा जी कृपा से कोई बात की कमी नहीं आएगी, और यहाँ इस बीहड़ में भी फूल खिल जाएंगे, है ना। मैया कृपा हो जाएगी। अनुमति ले ली आपने यहाँ रहने की? दे दी थी? मतलब यहाँ पे जी जिसकी जमीन है। हाँ, बोल दी ना उनने? हाँ, बस तो उनने बोल दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बाबा जी बहुत खुशी की बात है, आप तो प्रेम से रहिए, है ना। हाँ जी, सब उनका ही है पूरा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बाबा जी। नर्मदे हर। इनका नाम है बाबूगिरी जी महाराज, और ये शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं, और मेरे बादामगिरी जी महाराज जी भी इन्हीं के गुरु हैं। तो हम दोनों मतलब एक गुरु के चेले हो गए हैं। इनसे मैं तो आया था अचानक देवी जी पे थोड़ी भेंट चढ़ाने के लिए, तो मुझे ये अचानक इनका दर्शन हो गया। तो आगे ये क्या क्या करेंगे सब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मैं प्रेम मीना नर्मदापुरम से। जय श्री कृष्णा, हर हर नर्मदे। माँ नर्मदा जी की कृपा बनी रहे और बाबा जी का आश्रम ये बन जाए। और अभी तो ये नए नए आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे बाबा जी से मिलकर, और बहुत ही सुहाना दृश्य यहाँ नर्मदा जी के तट का। मैं तो मन ऐसा हो रहा यहीं बैठ रहा हूँ, लेकिन मजबूरी मुझे जाना पड़ेगा, घर गृहस्थी वाला हूँ। हाँ, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, सब कुछ कर सकते हो उसमें, बाबा के दर्शन भी कर लो और भक्तजनों की सेवा करो, अपने घर गृहस्थी में माँ बाप की सेवा भी करो, सब काम गृहस्थ आश्रम में रहकर किए जा सकते हैं। जय माँ नर्मदा जी, आपकी कृपा सदैव बनी रहे माता रानी। ये देखिए माँ नर्मदा जी का कितना सुंदर दृश्य है, हर हर नर्मदे। ये मेरे गांव का नजारा है, हासलपुर घाट है ये।